सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पीड न्यूज को, बेल आइकॉन को दबाए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। जब मोदी से पूछा गया वो मुस्लिम टोपी क्यों नहीं पहनते तो मिला ये जवाब। स्पीड न्यूज। नरेंद्र मोदी जब कभी भी कुछ कहते नजर आते हैं तो अपने उसूल और मर्यादा को सर्वप्रथम रखते हुए नजर आते हैं। वो कभी भी अपनी मर्यादाओं को तोड़ने के विचार में नजर नहीं आते। ऐसे ही कुछ आपकी अदालत के एंकर रजत शर्मा ने जब नरेंद्र मोदी से पूछा, आप पंजाब गए आपने वहां सरदारों की दस्तर कबूल की, आसाम गए तो वहां की वेशभूषा कबूल की, लेकिन जब इमाम साहब ने टोपी पहनाने की कोशिश की तो आपने लौटा दी। इसके जवाब में मोदी ने कहा, मैंने गांधी को कभी टोपी पहनते नहीं देखा, मैंने पंडित नेहरू को कभी इस प्रकार की टोपी पहनते नहीं देखा। ये राजनीति में विकृति आई है और मेरा काम है सब संप्रदाय का सम्मान करना और इससे भी बड़ा है जो मेरी परंपरा है उसका सम्मान करना। मैं सबकी परंपरा का सम्मान करता हूँ लेकिन टोपी पहनकर किसी की आंखों में धूल झोंकने का काम नहीं करता हूँ। आगे रजत शर्मा कहते हैं, इससे मुस्लिम भाइयों की भावनाओं को सम्मान मिलता है और उनको अच्छा लगता है। उसके जवाब में मोदी कहते हैं, उनको लगता है ऐसा करने से भावना समझ जाती है तो वो करे ये सब, लेकिन इसके अलावा भी मेरा मत हमेशा ये रहा है कि उनके बच्चों के हाथ में कुरान भी हो और कंप्यूटर भी, और ये मेरी सोच है। उनकी सोच उन्हें मुबारक, मेरी सोच मुझे मुबारक। वैसे आपका इस न्यूज के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दुनिया भर की और खबरों के लिए जुड़े रहिए स्पीड न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। स्पीड न्यूज नेटवर्क यूट्यूब.com।